हेलो दोस्तों, मैकेनिकल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूल्स के बारे में, ईंधन के बारे में। ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके बाद आपका रह जाएगा एसिड, बेस और सॉल्ट। ओके, तो स्टार्ट कर दें हैं फ्यूल्स के बारे में, यानी कि ईंधन। फ्यूल्स और ईंधन क्या है? ये बेसिकली क्या है? बर्निंग, इसकी बर्निंग मतलब इसके जलने से क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके जलने से आपकी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, फ्यूल्स क्या है? एक तरह की सब्सटेंस है, या तो ये तीन तरह की स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं और गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, इनके जलने से, इनकी बर्निंग से आपका क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये है फ्यूल्स। तो इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसियस। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड फ्यूल कौन से हैं? ठीक है, सॉलिड फ्यूल में आता है आपका कोल, यानी कि कोयला। ठीक है, कोयला क्या होता है? कोयले में क्या है कि आपका 60% to 90% कोयले में 60% to 90% आपका क्या होता है? कार्बन कंटेंट होता है। बेसिकली जो आपके फ्यूल है, ये फ्यूल होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होते हैं ये, और इसी वजह से इनकी बर्निंग से आपका एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इससे सी से CO2 बन जाएगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, CO बन जाएगा, एस से H2O बन जाएगा। तो ये सारे के सारे ना, इनके बर्निंग से आपके एक्स्ट्रा अलग प्रोडक्ट मिलते हैं और साथ ही आपको एनर्जी मिलती है। कोयला होता है, कोयले में आपका 60% to 90% कार्बन कंटेंट होता है। और कोयले को आपको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस बिटुमिनस फिर है लिग्नाइट, और चौथा है आपका पीट। इस वाले में जो आपका एंथ्रेसाइट है, इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो हाईएस्ट होता है आपका। हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है, और इसमें आपका जो पीट है, इसमें लोएस्ट कार्बन कंटेंट होता है, सबसे कम। यानी कि जिसमें कार्बन कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही कोयला आपका अच्छा होगा। तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला है, और जो आपका पीट है वो सबसे बेकार कोयला है। इसके बाद एंथ्रेसाइट के बाद इससे लोअर कैटेगरी में आता है बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा है, बेस्ट कोयला है, और ये वर्स्ट है, मतलब सबसे बेकार। अब देखे जाए तो है ना, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ऑल ओवर द अर्थ सरफेस, पूरे में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, हाईएस्ट अमाउंट सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। अगर देखा जाए, इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है लिग्नाइट। तो जो आपके स्टीम पावर प्लांट हैं, जो आपके ताप विद्युत घर हैं, जैसे मतलब जहाँ से क्या है, कोयले को जला के स्टीम बनाई जाती है, और स्टीम से आपका आपका टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो उसमें इंडिया में लिग्नाइट तो है ही है। लिग्नाइट इसके साथ साथ एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस ये क्या करते हैं, न्यूजीलैंड वगैरह से वहाँ से मंगाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, और फिर उससे क्या है कि आपके पावर प्लांट चलाए जाते हैं। तो ये चार तरह के कोयले हो गए, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि फ्यूल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनके बर्निंग से, इनके जलने से आपका क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसको तीन स्टेट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट। आपका आता है सॉलिड में आता है कोयला, कोयला में जिसमें 60% to 90% कार्बन होता है, और इसकी चार कैटेगरी हैं आपकी, चार भागों में बांटा गया है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन परसेंटेज होता है, ये सबसे अच्छा कोयला होता है आपका, और जो पीट होता है उसमें सबसे कम कार्बन परसेंटेज होता है, और ये सबसे बेकार कोयला होता है। ठीक है,
बिटुमिनस है आपका जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है अर्थ सरफेस पे, और आपका जो इनसाइड द अर्थ सरफेस ओके लिग्नाइट है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसको भूरा कोयला भी बोलते हैं, भूरा कोयला, क्योंकि इसका रंग होता है वो भूरा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉलिड के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में, लिक्विड स्टेट में कौन से चीज़ें पाई जाती हैं। दूसरा है लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में आपका होता है फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से हैं आपका, गैसोलीन है यानी कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, कैरोसिन फिर आपका है इसमें नेफ्था, ये सारे के सारे जो है, और आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF या वाइट कैरोसिन बोलते हैं इसको, ये आपके प्लेन्स में काम आता है। जो एरोप्लेन होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उनमें फ्यूल की तरह एविएशन टरबाइन फ्यूल काम आता है, जिसको सफ़ेद कैरोसिन भी बोला जाता है यानी कि वाइट कैरोसिन बोला जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं लिक्विड स्टेट में आपके, कई सारे आ गए, गैसोलीन है जिसको पेट्रोल भी बोलते हैं, डीजल, कैरोसिन, नेफ्ता और आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल। नेफ्ता कोई फाइनल बाद में एक्सट्रैक्ट करके आपका गैसोलीन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपका बहुत साल पहले ये अर्थ है हमारी, तो अर्थ के नीचे बहुत सारे जीवाश्म जो भी है ना, मान लीजिए आदमी वगैरह, पशु पक्षी वगैरह, पेड़ पौधे थे, वो सारे इसके नीचे दब गए। ठीक है, जमीन के नीचे दब गए, दब गए तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, उच्च ताप और उच्च दाब की वजह से क्या हुआ, ये जो जीवाश्म है इनमें जो हाइड्रोकार्बन थे वो आपका फ्यूल में चेंज हो गए, ये यहाँ पे लिक्विड फ्यूल में और गैसियस फ्यूल में चेंज हो गए, ये बन गया आपका फ्यूल। पर ये है ना प्योरीफाइड स्टेट में नहीं है, ये सारी की सारी एक साथ सारा का सारा मिल रहा था आपको, तो आपने क्या यहाँ से होल किया, होल करके ये आपने ये सारी सारी चीज़ें बाहर निकाल ली, इसमें गैस भी निकली, इसमें आपका लिक्विड स्टेट भी निकली और कुछ सॉलिड स्टेट भी निकला। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉसिल फ्यूल। अब ये फॉसिल फ्यूल है ना, एक ही स्टेट में एक ही आपके पास फ्यूल है, अब इसको क्या करेंगे, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे कि है ना, हमें चाहिए गैसोलीन अलग चाहिए, डीजल अलग चाहिए, केरोसिन अलग चाहिए, और ये सबका अलग अलग यूज है, तो ये जाता है आपका रिफाइनरी में। जो रिफाइनरी होती है इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है, तो रिफाइनरी में जाके सबको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। ये होती है डिस्टिलेशन टावर, डिस्टिलेशन टावर में क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे इनको गर्म किया जाता है। ठीक है, ये वाला जो है आपका पेट्रोल, ये कम टेम्परेचर पे अलग होके और सेपरेट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका ये डीजल सेपरेट हो जाएगा, फिर केरोसिन सेपरेट हो जाएगा, ऐसे करके सारी की सारी चीज़ें आपकी अलग अलग करके हम उनको जमा कर लेते हैं और फिर उनको सप्लाई कर देते हैं जो आपके यूज़ में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया लिक्विड स्टेट, हमने इस पर पढ़ा फॉसिल फ्यूल आते हैं, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन कैसे बने मैंने बताया कि सारी की सारी चीज़ें जमीन के नीचे दब गई और ज़्यादा आपका दाब, उच्च ताप और दाब की वजह से वो क्या है कि आपका फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, इनको हम ड्रिल करके और आपको फ्यूल को बाहर निकाल लेते हैं, एक ये सिंगल फ्यूल होता है, फिर इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप डिस्टिलेशन टावर में भेजते हैं जो रिफाइनरी में होती है, फिर आप सबको अलग अलग करके सप्लाई कर दिया जाता है। फॉसिल फ्यूल में होते हैं गैसोलीन फ्यूल है, इसको पेट्रोल भी बोलते हैं, दूसरा है डीजल, तीसरा कैरोसिन, चौथा नेफ्था, नेफ्था से ही आपका पेट्रोल प्रोड्यूस होता है, और है एविएशन टर्बाइन फ्यूल जिसको बोलते हैं वाइट कैरोसिन या सफ़ेद कैरोसिन। तो ये हो गया आपका लिक्विड फ्यूल्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका गैसियस फ्यूल।
है आपका गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में गैसियस फ्यूल कौन कौन से होते हैं? तो गैसियस फ्यूल में हम सबसे पहले आते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये है आपकी प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस भी आपका वहीं से मिलेगी, आपको उसमें आपने ड्रिल किया था, ड्रिल करके वहां से गैस मिली थी आपको। और जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में आपका कौन कौन से कंटेंट होते हैं वो देखते हैं हम। इसमें होता है आपका मीथेन, मीथेन यानी कि CH4। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में होता है मीथेन, और उसके बाद होता है इथेन। C2H6, तो इसमें होता है आपका 83% और ये होता है आपका 16% अराउंड। ये आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका है, तो मीथेन होता है इसमें, जो होता है 83% के आसपास, और इथेन इससे कम होता है, वो होता है 16%, और बाकी के अदर कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका एलपीजी के बारे में, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, उसमें आपकी गैस कौन कौन सी होती है? इसमें होती है मेन, नेचुरल एंड आइसो ब्यूटेन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लिक्विड एलपीजी में, एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें गैस होती है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। जो ब्यूटेन होती है दो पार्ट में होती है, नेचुरल और आइसो पार्ट में, और ये सबसे मेन कंपोनेंट है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, वो है आपका ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है इसमें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में। इन दोनों में एक चीज़ का अंतर आप ध्यान रखिएगा कि ये हवा से हल्की होती है और ये हवा से ज़्यादा भारी होती है। ठीक है, और इसमें क्या है मेन चीज़, जैसे मान लीजिए इसका लीकेज होता है, लीकेज होगा, लीकेज हो गया, यहाँ से लीकेज हुआ तो ये ऊपर उड़ जाएगी। और जो आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो क्या है, जैसे यहाँ से लीकेज हुआ तो ये नीचे सरफेस पे बनी रहेगी, तो इस वजह से इसका जो ब्लास्ट होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है इस एज कंपेरिजन टू नेचुरल गैस। ओके, तो ये ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी के हिसाब से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपकी ज़्यादा बेटर है एलपीजी कंपेरिजन में। क्योंकि मान लीजिए गैस चूल्हे के नीचे अगर आपकी गैस लीकेज हो रही है, तो वो जो गैस है वो ऐसे नहीं बाहर उड़ जाएगी, वो आपका उस चूल्हे के नीचे ही जमी रहेगी, क्योंकि उसका जो घनत्व है वो एयर के घनत्व यानी कि वायु के घनत्व से ज़्यादा है, और वो नीचे वहाँ पर सेटल रहेगी, वहीं पर उपस्थित रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये गैस उड़ जाए, बाकी सीएनजी आपकी उड़ जाएगी, वो बाहर एनवायरनमेंट में चली जाएगी, क्योंकि उसका जो आपका घनत्व है वो एयर के कंपैरिजन में आपका कम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका कोल गैस के बारे में, यानी कि कोयला गैस। तो जो कोल गैस होती है, इसमें मेन कंटेंट होता है आपका हाइड्रोजन का, जो कोल गैस है आपका, कोल गैस में सबसे ज़्यादा कंटेंट है आपका हाइड्रोजन का, और वो है आपका 55% के आसपास। फिर इसके बाद आता है मीथेन, सबसे ज़्यादा आपका हो गया हाइड्रोजन गैस जो है आपका 55%, फिर है मीथेन जो है आपका 30%, और फिर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका आता है 4% के अप्रोक्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो है ना कोल गैस का पार्ट होती हैं। कोल गैस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कोल गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, यानी कोयला गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है हाइड्रोजन की, जो है आपकी 55%, फिर उससे कम होता है मीथेन, और फिर होता है CO है 4% और मीथेन है आपका 30%। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया गैसीय स्टेट में सबसे पहले आया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस है आपकी, जिसमें मीथेन सबसे ज़्यादा है 83%, फिर आपका इथेन है जो है 16%, फिर आते ही आपकी एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसमें है ना आपका आइसोब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है, आइसोब्यूटेन या नेचुरल ब्यूटेन, दो तरह की ब्यूटेन होती है इसमें। ठीक है, फिर थर्ड आता है आपका कोल गैस, जिसमें हाइड्रोजन
55% होता है सबसे ज़्यादा आपका, और मीथेन होता है 30%, और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है आपका 4%, बाकी एक्स्ट्रा अदर एलिमेंट्स अदर गैसेस होती हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका है ना गैसेस स्टेट के बारे में हो गया। कुछ एक चीज़ें और हैं गैसेस स्टेट के बारे में, नेक्स्ट आती है आपकी वाटर गैस। यानी कि आपका जल, अंगार, गैस, तो इसमें आपका क्या होता है CO प्लस H2 इसका कंटेंट होता है। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, और ये आपकी काम आती है वाटर गैस का काम है आपका हाइड्रोजन बनाने में। यानी कि जो वाटर गैस है आपकी वो उसका काम है आपका हाइड्रोजन बनाने के काम में आती है, और इसमें होता है CO प्लस H2। नेक्स्ट है इसमें आपकी प्रोड्यूसर गैस, यानी कि वायु अंगार गैस। ठीक है, इसमें आपका मिक्सचर होता है CO प्लस N2 का, क्योंकि वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, तो ये CO प्लस N2 का मिक्सचर होता है, और ये इसका काम है आपका, ये कांच बनाने की विधि में काम आती है, यानी ग्लास बनाने की में काम आती है, कांच बनाने में और आपका मेटलर्जिकल ऑपरेशन में, धातुकर्मी के जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें और कांच बनाने में ये काम आती है आपकी प्रोड्यूसर गैस, यानी कि वायु अंगार गैस। तो दो गैस हो गई आपकी, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। इसके बाद आपकी आती है बायोगैस। बायोगैस क्या होती है आपकी, नेक्स्ट है बायोगैस आपकी कैसे बनती है। बायोगैस जैसे मान लीजिए जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कचरा वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह हैं, इनके वेस्टेज हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं और आपका सब्जियां वगैरह हैं और भी कई तरीके के ऑर्गेनिक जो वेस्ट हैं, उनको क्या है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए जाते हैं, उससे इनका विघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, विघटन होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, आपका पानी की प्रेजेंस में ये सारे सारे कंपोनेंट को पानी में डाल दिया जाता है, और फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो क्या करते हैं इनका कंजप्शन करके और यहाँ पे आपको बायोगैस बना के देते हैं। ये हमेशा ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उनके थ्रू बनेगी, और इनका विघटन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वाटर। ठीक है, उससे बनेगी आपकी बायोगैस। और बायोगैस में जो मेन कंटेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ, बायोगैस में सबसे ज़्यादा होती है आपकी मीथेन, फिर होती है हाइड्रोजन, फिर होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, और फिर CO, ये सारा का सारा कंटेंट है आपका, सॉरी CO2, ये आपका कंटेंट है बायोगैस का। और बायोगैस में जो आपका मीथेन का परसेंटेज है वो है आपका करीब 65%। जो ह्यूमन वेस्ट है इसमें वो भी इंक्लूड होता है, जो सीवेज वगैरह का वेस्ट होता है वो भी, उसके थ्रू भी आपका बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। ये सारा का ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, और ये जो प्लांट होते हैं इनको बोलते हैं वेस्ट वाटर प्लांट्स, यानी कि यहाँ से आपका मीथेन वगैरह प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, जो भी है ना वेस्ट वाटर प्लांट है उनसे वेस्ट वगैरह जा रहा है, वहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड है, उससे आप क्या कर रहे हो बायोगैस बना रहे हो। ठीक है, ये हमने गैसेस पढ़ी। सबसे पहले आपकी वाटर गैस जिसमें है, इसको बोलते हैं जलंगार गैस, CO प्लस H2 है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बनाने के काम में आती है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ बन रही है। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर गैस वायु अंगार गैस, इसमें CO प्लस N2 होता है, ये कांच बनाने के काम में आती है और मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में काम में आती है, यानी कि धातुकर्मी ऑपरेशंस में। नेक्स्ट है आपकी बायोगैस जिसमें मीथेन सबसे ज़्यादा होता है, 65% होता है, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर CO2। तो ये आपका जो बनती है वो बनती है आपकी
ऑर्गेनिक वेस्ट से। ऑर्गेनिक वेस्ट में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स किए जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो इसको खा जाते हैं, डिकम्पोजिश कर देते हैं, और आपका वहाँ से आपको क्या मिलता है, बायोगैस। इसमें ये सारे के सारा जो मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर है, वो हाइड्रोजन H2O में होता है, यानी कि पानी में होता है। ये यहाँ पे जल होता है, वाटर, उसमें उसको डाल दिया जाता है। वहाँ से फिर आपका इन प्रेजेंस ऑफ दो तरह से होता है, या तो ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन ना हो। ना हो तो उसको एन एरोबिक बोलते हैं। और इसको बोलते हैं एरोबिक। ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको खा जाएंगे, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको खा जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे आपका बायोगैस। ठीक है, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, दो तरह से ये प्रोड्यूस होती है मीथेन। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो एरोबिक, नहीं प्रेजेंट है तो एन एरोबिक। ठीक है, ये हो गया आपका गैसेस के बारे में। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो है कैलोरीफिक वैल्यू, कि इन्हें इसकी ऊर्जा कितनी है वो कैसे पता करेंगे। किसी भी फ्यूल में, कोई सा भी फ्यूल है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैसियस फ्यूल है, तो उसको कैसे पता चलेंगे करेंगे कि है ना किस में कितनी ऊर्जा है। तो वो सारी सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू से। तो उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, यानी कि ईंधन का ऊष्मीय मान, यानी कि ईंधन का आपका ऊष्मीय मान कितना होगा। तो ये होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट, यानी कि कितनी ऊर्जा निकलती है पर अमाउंट ऑफ 1 ग्राम फ्यूल से। ठीक है, 1 ग्राम फ्यूल से कितनी आपकी एनर्जी निकलती है वो कहलाता है आपका कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। जिसकी 1 ग्राम फ्यूल से ज़्यादा निकलेगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ऊष्मीय मान उतना ही ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए आपका जो सॉलिड है, सॉलिड यानी कि सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड इनके के यानी कि आपका ठोस और द्रव, इनके केस में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है मेगा जूल पर केजी में। कैलोरीफिक वैल्यू लिखते हैं मेगा जूल पर केजी में। और आपका गैसेस के लिए लिखते हैं, जैसे प्रोड्यूसर गैस है, मीथेन है, इनके लिए लिखेंगे आपका मेगा जूल पर मीटर क्यूब में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो गैस है उसका वेट नहीं करना हमें, उसके वॉल्यूम से आप फाइंड आउट कर लोगे, तो इसको लिखेंगे मेगा जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में हमने देखा, कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ईंधन की ऊष्मीय मान कितना है, ये होता है कितनी एनर्जी उससे निकल रही है ईंधन से 1 ग्राम फ्यूल में। या फिर इसको यहाँ पे ना, अगर 1 ग्राम में है तो ये यहाँ पे किलो जूल में होगा, अगर 1 किलोग्राम में है तो यहाँ पे ये मेगा जूल में हो जाएगा। मेगा होता है आपका, मेगा जूल होता है 1000 किलो जूल के बराबर, मेगा जूल होता है आपका 10 की घात 6 जूल के बराबर, किलो जूल होता है आपका 10 की घात 3 जूल के बराबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकाल लेंगे। सॉलिड लिक्विड लिक्विड के केस में, यानी कि ठोस और द्रव के केस में होती है मेगा जूल पर केजी, और गैसेस के केस में होती है क्योंकि उसमें वॉल्यूम इंक्लूड है तो मेगा जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका हो गया ईंधन के बारे में। तो आप इसका जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री वाले। अब आपका रह गया एक ही टॉपिक, वो है एसिड बेस और सॉल्ट्स। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के बाद स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।